अभी कानपुर में ईदगाह के पास एक गिद्ध पकड़ा गया जो हिमाचल ग्रिफिन बल्चर कहते हैं इसको, और ये जब लाया गया था तो इसके पैर बंधे हुए थे, इसके पैर में थोड़ी सी चोट है अभी, चूंकि ये अस्वस्थ है तो इसको हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, क्वारंटाइन किया हुआ है, और जब ये स्वस्थ होगा तो इस पे निर्णय जो है पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ स्तर से, शासन स्तर से इस पे लिया जाएगा कि इसको यहाँ रखा जाए कि इसको छोड़ा जाए। गिद्ध जो है ये काफ़ी हद तक हमारे देश में कम होते चले जा रहे हैं, ये उसी श्रेणी में आता है, संकटग्रस्त श्रेणी में हो रहा है, इसकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि गिद्धों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, जिससे कि जो नेचुरल स्वीपिंग का जो काम करते थे नेचर के, ये एक्चुअली बेसिकली ये स्वीपर्स हैं जो जानवर मर जाते हैं उनके साफ करने का काम गिद्ध किया करते थे, अनफॉर्चुनेटली ये समय खत्म होते जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, तो इनको बचाना हम लोगों का विशेष उद्देश्य है। ये हिमालयन रीजन से लेकर के नीचे साउथ तक सभी जगह पाए जाते थे। बाकी ये जो प्रजाति हमारे पास ग्रिफिन आई है ये हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से लेकर के इधर कजाकिस्तान तक इधर सभी जगह ये पाई जाती है। सर अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये लमसम, हाँ जी, इनकी जो लेंथ है वो लगभग 95 से 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इनके जो फेदर्स होते हैं विंग्स की जो लंबाई होती है वो लगभग 270 से लेकर के 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फीटों में अगर बात करें तो लगभग 5-7 फीट के आसपास इनकी लंबाई होती है।